नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। देखिए, एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ बॉर्डर की, जो बहुत ही सुंदर है। देखिए, 10 के मल्टीपल से ये बनाई हूँ मैं। 52 फंदे हैं इसमें, तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज ये बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। दो कलर में है, तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, दो कलर के ऊन ले ली हूँ मैं और 10 नंबर की सिलाई ले ली हूँ। तो अब मैं फंदा इसमें डालूँगी, और फंदा कैसे डालना है देखिए। डबल सिलाई में ही फंदा डालूँगी मैं। 10 के मल्टीपल से वह फंदे डालेंगे इसमें। तो देखिए, अब फंदे हमें लूज चाहिए, तो इसके लिए हम इस तरह से हम फंदे डालेंगे डबल सिलाई में, ताकि फंदे लूज रहें। तो इस तरह से हम फंदे डालेंगे। तो इसमें हम फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए, फंदा मैंने डाल ली है। अब क्या करना है, एक सिलाई मैं इसमें से निकाल लूँगी आराम से, और देखिए ये फंदे कितने लूज हैं। तो मुझे लूज फंदा ही चाहिए इस डिज़ाइन के लिए। तो देखिए, पहले फंदे से हम शुरुआत करेंगे और पहली सिलाई से। तो देखिए, उल्टे उल्टे बुन के ही कंप्लीट करेंगे ये पूरी रो। देखिए, इस तरह से हम उल्टे उल्टे फंदे बुन लेंगे। देखिए, ये कंप्लीट होने जा रही है। देखिए, ये सारे फंदे मैंने बुन लिए। अब आ गई मैं इसकी दूसरी साइड, और इस साइड से क्या करना है, ये उल्टी साइड है, तो इस साइड से हमें सीधा सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से है, तो उल्टी सिलाई, लेकिन हमें बुनाई सीधी करनी है। इस तरह से देखिए, ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब आ गई मैं इसकी सीधी साइड, तीसरी सिलाई पे। तो यहाँ क्या करना है देखिए, देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें दो फंदे स्लिप करना है। देखिए यहाँ से फिर क्या करना है, अब हम दूसरी धागा लगाएंगे इस तरह से, ये सफ़ेद वाली, और हम इससे 8 फंदे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे बुन लिए, दो फंदे हम स्लिप कर लेंगे इस वाले, फिर से हम 8 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे बना लिए, और फिर हम दो फंदे स्लिप करेंगे। फिर से हम 8 फंदे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसी तरह से हम बनाएंगे, और दो फंदे फिर से स्लिप कर लिए। 1, 2, 3, 4, 5,
छः, सात, आठ। फिर से हम दो फंदे स्लिप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। दो फंदा हम फिर से स्लिप करेंगे इस तरह से। अब आ गई मैं इसकी चौथी सिलाई में। तो चौथी सिलाई में दो फंदा ही जो मैंने स्लिप किया था सीधी साइड से, इसे हम उल्टी साइड से भी स्लिप कर लेंगे। और देखिए फिर से हम आठ फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेंगे, चार, पाँच, छः, सात, ये आठ। तो इसी तरह से हम बुनेंगे और ये दो फंदे हैं इसे हम फिर से स्लिप कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम स्लिप कर लेंगे और फिर से हम आठ फंदे बुन लेंगे। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट होगी। देखिए फिर से मैं सीधी साइड आ गई इसकी पांचवी सिलाई। तो पांचवी सिलाई में क्या करना है, फिर से मैं दो फंदे स्लिप कर ली और आठ फंदे इस तरह से बुन लूँगी। देखिए इसकी छठी सिलाई आ गई। अब फिर से हम दो फंदे स्लिप कर लेंगे और देखिए फिर से हम इसे बुन लेंगे। आठ फंदे जो हैं इसे हम ये छठी सिलाई में भी बुन लेंगे उल्टे उल्टे और दो फंदे हम स्लिप कर लेंगे। देखिए अब सातवीं सिलाई पे आ गई मैं सीधी साइड। तो उसी तरह से बुनना है जिस तरह से मैं बुन रही थी। दो फंदे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए फिर से हम दो फंदे इसे स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। तो इसकी ये सातवीं सिलाई है। देखिए ये इस तरह से लास्ट वाले भी इसे हम कंप्लीट कर लिए। अब इसकी आ गई मैं आठवीं सिलाई। आठवीं सिलाई में क्या करना है कि फिर से हम दो फंदे स्लिप कर लेंगे और यहीं से बुनना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। फिर से हम ये स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह से ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए इसकी नौवीं सिलाई आ गई। नौवीं सिलाई में भी ऐसे करके हम स्लिप कर लेंगे और यहीं से बुन लेंगे इस तरह से।
दो फंदे फिर से हम स्लिप कर लेंगे। तो ये सिलाई भी कंप्लीट इसी तरह से होगी, आठ आठ फंदे हम बुन लेंगे, दो फंदे स्लिप कर लेंगे। ये बॉर्डर 10 सिलाई की है और ये 10 सिलाई में डिजाइन बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए इसकी 10वीं सिलाई में हम क्या करेंगे कि इसे हमें ये फंदा भी बुन लेना है। देखिए इस तरह से अब हम कोई फंदा स्लिप नहीं करेंगे, अब सारे फंदे को हमें देखिए सारे फंदे में बुन लूँगी। इसी तरह से ये कंप्लीट होगी। देखिए ये लास्ट फंदे हैं, ये भी बुन लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बनके कंप्लीट होगी। तो मैंने बना लिया है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो इसी तरह से ये बनके तैयार होंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। तो इसी तरह से ये बनेंगे।